के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में ईरानी समुदाय का मातम जुलूस धूमधाम से निकाला गया। बीदर में बारिश का सिलसिला रुकने से स्थिति सामान्य हो रही है। सीएलपी बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का हौसला बढ़ा। उड़पी कॉलेज घटना पर सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ ट्वीट करने पर बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। कर्नाटका राज्य के हाजियों के काफिले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतर रहे, जहां हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला उनका स्वागत कर रहे हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज 10 मुहर्रम के मौके पर शहर में कहीं ईरानी कॉलोनी से एक विशाल मातम का जुलूस निकलकर शहर के विभिन्न सड़कों से होता हुआ शहर के रेलवे स्टेशन के समूह मातम प्रदर्शन किया गया। मातम में छाती पीटना आदि शामिल था। इसके साथ मातम के रूप में युवक अपने आप को घायल करते नजर आए। इस मातम में ईरानी कॉलोनी के लगभग सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल होकर मातम प्रदर्शन किया। इस मातम को देखने के लिए शहर के साथ साथ ग्राम के लोग भी बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन परिसर में इकट्ठा हुए। मातम के मद्देनजर पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया, जिससे मातम शांतिपूर्वक मनाया गया और वापस ईरानी कॉलोनी पहुंचकर समाप्त हुआ। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम। ये जो जुलूस आ रहा है, ये 10 मुहर्रम का जुलूस है, जो हर साल तकरीबन हम यहाँ 50-60 साल से जो है 10 मुहर्रम को यूं ही इसी तरह जुलूस निकलता है और सारे बीदर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देने को आते हैं, हमारे साथ इमाम हुसैन के गम में शरीक होने को आते हैं। क्योंकि ये मुहर्रम जो है, ये सिर्फ एक कौम का नहीं, एक जात का नहीं, ये इंसानियत का है। और इमाम हुसैन इंसानियत को बचाने के लिए कर्बला में शहीद हुए, अपने 6 महीने के बच्चे को शहीद हुए। इसीलिए हम सब मिलके जो है इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं और इमाम हुसैन को पुरसा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहते हैं, अपने बात को खत्म करते हैं। शुक्रिया। बीदर में बारिश का सिलसिला रुकने से लोगों को राहत मिली है और हल्की धूप निकलने से पानी भी सूख रहा है। धूप हल्की है, लेकिन इससे कुछ फर्क जरूर पड़ा है। पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश में शहर में रही इमारतों की दीवारों में पानी उतर आया था, जो धीरे धीरे सूख रहा है। बारिश के कारण सड़कें धुल गई हैं, लेकिन उसके किनारे गंदगी भी जमा है। हालांकि नगरसभा द्वारा इसको साफ करने का कार्य किया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की बैठक बुलाने के बाद हाथ में एक मौका मिला, क्योंकि उन्होंने खुद को शीर्ष नेता के रूप में स्थापित करने का अवसर बनाया और उनके समर्थकों ने उनका पूरा समर्थन किया। साथ ही आलम विधायक बीआर पाटिल के नेतृत्व में विधायकों ने, जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीएलपी आयोजित करने का आग्रह किया था, उन्होंने पत्र लिखने के लिए उनसे माफी मांगी। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि पत्र लिखना उचित नहीं है, क्योंकि यह एक हस्ताक्षर अभियान जैसा लग रहा है और अगर उन्होंने उनसे मौखिक रूप से पूछा तो भी वह उनके अनुरोध का जवाब देते। उन्होंने उनसे कहा कि पत्र लिखने की प्रथा बंद होनी चाहिए। उन्हें यह बताते हुए कि वे हस्ताक्षर अभियान शुरू नहीं करना चाहते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार दोनों से माफी मांगी। परमेश्वर ने कहा, मुख्यमंत्री ने विधायकों को आश्वासन दिया है कि वह जिला प्रभारी मंत्रियों के साथ जिलेवार विधायकों से मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कार्यकर्ता शकुंतला एचएस को एक शिकायत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ट्विटर पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। गिरफ्तारी शुक्रवार 28 जुलाई को की गई थी। हालांकि उसे स्टेशन से जमानत मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर रिहा कर दिया गया। 25 जुलाई को शकुंतला एचएस ने कर्नाटका कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट उद्धृत किया था, जिसमें उड़पी कॉलेज की घटना को बच्चों का खेल बताया गया, जिसके जवाब में उन्होंने सीएम सिद्धरामैया से एक सवाल किया और कहा, अगर कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिंदू लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड करने के कृत्य को महज बच्चों का खेल के रूप में देखती है, तो क्या ऐसी घटना में सिद्धरामैया की पत्नी या बहू शामिल होने पर भी उनकी यही राय होगी। पुलिस ने शकुंतला को एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया है, जो उसके खिलाफ हनुमंतैया नाम के एक व्यक्ति द्वारा हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक राज्य के विभिन्न जिलों से इस साल हज के लिए सऊदी अरब गए हाजी अब लौट रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु को प्रतिदिन हाजियों के काफिले बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। हाजियों का स्वागत करने के लिए लगातार हर फ्लाइट से वापस लौट रहे हाजियों को कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष शौकुद्दीन कचेरीवाला स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हज समिति के अन्य सदस्य एवं अधिकारी भी हाजियों का स्वागत कर उन्हें बिना किसी कठिनाई के एयरपोर्ट से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। रफुद्दीन कचेरीवाला लगातार हाजियों का स्वागत करने में जुटे हैं। कर्नाटक का आखिरी काफिला 30 तारीख को पहुंचेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को वर्णा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सत्ता में आने पर 5 गारंटियों को लागू करने का वादा करके चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने मैसूर जिले के वरुणा हुबली के कुड़नहल्ली के एम शंकर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता, जो तालुका पंचायत के पूर्व सदस्य और बसवेश्वर युवक संघ के अध्यक्ष हैं, ने तर्क दिया कि 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा घोषित 5 गारंटियां प्रतिनिधित्व की धारा 123(2)
के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के बराबर थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गारंटी उम्मीदवार और पार्टी द्वारा किए गए प्रस्तावों और वादों की तरह है। याचिकाकर्ता ने कहा वे वरुणा के मतदाताओं की संतुष्टि के रूप में है और उन्हें सीधे पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से है। याचिकाकर्ता ने अदालत से सिद्धरामैया के चुनाव को शून्य घोषित करने और अधिनियम के प्रावधानों के तहत अच्छे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की अपील की। पिछले 2 महीनों के दौरान राज्य में बारिश के प्रकोप से कुल 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि उड़पी और दक्षिण कर्नाटक जिलों में 15 लोगों की मौत हुई है। इनमें से अधिकतर मौतें पिछले 2 सप्ताह के दौरान हुई जब राज्य में भारी बारिश हुई। इनमें से आधे से अधिक मौतें डूबने के कारण हुई। इस अवधि में कर्नाटक से 378 मिलीमीटर बारिश और दक्षिण कन्नड़, उड़पी, उत्तर कन्नड़, बेलगावी, कलबुर्गी, बीदर, चिकमंगलुरु, शिमोगा और कोडगु जिले में सबसे अधिक प्रभावित थी। कर्नाटक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 35 लोग घायल हुए और 105 जानवरों की मौत हुई। अधिकारियों ने कहा कि लगातार बारिश के बाद कुल 1802 लोगों को सुरक्षित किया गया है और 22 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक अधिकारियों का अनुमान है कि 541.39 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम में फेरबदल किया। कर्नाटक के वरिष्ठ नेता सीटी रवि को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से हटा दिया गया। 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले पुनर्गठित की गई नई टीम में कर्नाटक से किसी को भी शामिल नहीं किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में रवि ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा जैसे प्रमुख राज्यों का प्रभार संभाला। 1987 से आरएसएस के स्वयंसेवक रवि को दक्षिण भारत में भाजपा का कट्टर हिंदू चेहरा माना जाता है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील का कार्यकाल समाप्त हो गया है और पार्टी ने अभी तक नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं की है। रवि जो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे, भाजपा कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे थे। बीजापुर में 10 मुहर्रम के मौके पर ईरानी समुदाय ने मातम मनाया। इस मौके पर मातम का एक जुलूस भी निकाला गया जो शहर के इमाम बाड़े से ताज बावली तक निकाला गया। इस अवसर पर पुरुषों ने छाती पीट कर मातम किया और वहीं इसको देखने अन्य लोग भी जमा हुए। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद। बुजुर्गान मिल्लत, आज का दिन यौम आशूरा के नाम से याद किया जाता है। वो दिन जो करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन इस्लाम पहुँचे हैं, यानी 28 रजब को छोड़ा और 2 मुहर्रम को वालिद करबला हुए। 2 मुहर्रम से पानी बंद हुआ, 10 मुहर्रम पर शहादत हो गई। अफसोस के साथ अर्ज़ करते हैं कि वो दिन है जिसमें 72 की कुर्बानी दी है हुसैन ने। उस 72 में अली अकबर थे, औनो मोहम्मद थे, अब्बास थे। इतने प्यासे थे कि प्यास की शिद्दत से ज़ुबान बाहर निकल गई। आखिरकार आखिरी हदिया इमाम ने अली असगर को पेश फरमाया। ज़ालिमों ने अली असगर को भी कत्ल कर दिया। उसके बाद असर के वक्त सैयदा कलाल मोहम्मद का नमाज था, मैदान करबला में जंग के लिए आया। जालिमों ने बेदर्दी के साथ इतना तीर मारा, इतनी तलवार मारी कि सैयदा का लाल घोड़े पर टिक न सका। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में ईरानी समुदाय का मातम जुलूस धूमधाम से निकाला गया। बीदर में बारिश का सिलसिला रुकने से स्थिति सामान्य हो रही है। सीएलपी बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का हौसला बढ़ा। उड़पी कॉलेज घटना पर सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ ट्वीट करने पर बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। कर्नाटक राज्य के हाजियों के काफिले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतर रहे, जहां हज समिति के अध्यक्ष रौफुद्दीन कचेरीवाला उनका स्वागत कर रहे हैं। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।